हम लोग आ चुके हैं आइनो डिजिटल कुर्जी कुर्जी पटना आ चुके हैं और अभी तक फेस टू का जो शुरू हो रहा है फर्स्ट ईयर का वो एग्जाम खत्म हो चुका है। तो आज हम देखेंगे और रिव्यू लेंगे क्या क्वेश्चन आ रहा है क्या क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना। तो देखते हैं, पूछते हैं भाई लोग से और बात करते हैं। बहुत सारा भी ज्ञान से निकल रहे हैं सेंटर से, है ना। आप बने रहिए, अभी पूछते हैं। आपका एग्जाम हो चुका? आपका एग्जाम था? नहीं था? एग्जाम हुआ आप लोग का? एक सेकेंड आ जाइए, थोड़ा एक सेकेंड आ जाइए। कैसा क्वेश्चन था? एग्जाम तो बहुत बढ़िया गया हम लोग का, लेकिन जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा था। मतलब कि लेवल कैसा था? मॉडरेट था, इजी था कि? हाँ नहीं, मॉडरेट था। मॉडरेट था। अच्छा ये बताइए कि आपका अटेम्प्ट कितना रहा? मेरा 50+ था। 50+? समय ही नहीं मेरा बचा। अच्छा समय नहीं बचा, मतलब समय का ये है। तो मतलब ज़्यादातर कैलकुलेशन टर्म से आ रहा है क्या क्वेश्चन जी? ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, नहीं 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 आ रहा। अच्छा अच्छा ये बताइए कि अभी तक जितना फर्स्ट फेज में जितना एग्जाम हो रहा था उसमें पंचायती राज से क्वेश्चन आ रहा था क्या? आप पंचायती राज से एक भी नहीं आया था? नहीं आया था। अच्छा जनगणना से 2011 नहीं नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं, ये भी क्वेश्चन नहीं था। कोविड-19 से जुड़ा है क्या? कोविड-19 से जुड़ा है। कोविड-19 क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन? पूछ रहा था कोविड-19 मतलब कब से कौन वैक्सीन काम किया सबसे पहले। अच्छा पहला दवा का नाम आया था, कोई दवा पहला कौन दवा बना था हैदराबाद को, कोई कोई थी है दो तीन वो जो मिल के बनाया उस। अच्छा ये बताइए कि आपका ये जो जोन कौन सा? जोन मेरा बिलासपुर था। बिलासपुर मतलब कि आप बिलासपुर से आए कि कहाँ से आए? नहीं नहीं मैं तो आरा से आया हूँ। आरा से आए? अच्छा बढ़िया बढ़िया। आप कहाँ से आए? आरा। आरा से आए? अच्छा बढ़िया, चलिए। अच्छा साथी है? अच्छा आपका एग्जाम हुआ? सेकंड फेज में है। बहुत से लड़का है। अच्छा, हाँ। सीट बहुत खाली पड़ा हुआ था, देखें हमें। अच्छा हाँ हाँ, ये प्रेजेंटी कितना मर रहा है? हमको लगा कि मेरे में करीब करीब 30% अपॉर्चुनिटी था मेरे रूम में। अच्छा आपके रूम में? मतलब कि आप सेंटी अभी बना हुआ है? बना हुआ है। अच्छा तो इसका तो फायदा मिले पेपर हो रहा है तो। अच्छा अच्छा क्या बोल रहे भाई? 4 साल बाद पेपर हो रहा है। हाँ तो बहुत सारे लोग जब भी हो गया होगा इस तरह से हो गया। आप कितना प्राइवेट नौकरी अपने कर रहा है तो कोई आएगा नहीं। हाँ हाँ बात सही है, बात सही है। अभी देखा जाए जैसे रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछ रहा था ज्यादा रीजनिंग से ही क्वेश्चन आ रहा। अच्छा तो कौन आपका एग्जाम हुआ? नहीं हुआ। वेन डायग्राम से था। कितना क्वेश्चन था वेन डायग्राम? हमको लगा कि करीब करीब 10 से 15 क्वेश्चन था उससे। 10 से 15 क्वेश्चन वेन डायग्राम? अच्छा पजल से लेकर सब सेटिंग अरेंजमेंट सब लेकर। अच्छा अच्छा अच्छा, जो सर्किल का जो क्वेश्चन पहले पूछता था कि सर्किल में 8 आदमी को बैठाया जाता वैसा क्वेश्चन था क्या? ऐसा क्वेश्चन था? कितना? दो तीन था। अच्छा उसमें ये भी हो रहा था क्या कि कुछ सेंटर की तरफ देख रहा है कुछ सेंटर की बाहर देख रहा है, ऐसा क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन हो जाता है कैलकुलेटिव, है ना। ये 2 मिनट पे 1 मिनट पे नहीं बन पाता है ना। बात सही है। अच्छा चलिए अभी तो ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक आप लोग का होगा। बहुत बढ़िया चलिए ठीक। ये है सेट अभ्यास यूट्यूब चैनल है, उस पर वीडियो अपलोड होगा। हाँ सेट अभ्यास, चलिए। हाँ और भी बात करते हैं भाई लोग से। आपका एग्जाम हुआ? देखते हैं, आप लोग बने रहिए और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप लोग का ज़्यादा फायदा हो, बेनिफिट हो, है ना इस ढंग से। और अभी तक फेज टू का एग्जाम शुरू हो चुका है आज से 26 अगस्त, और आज का फर्स्ट शिफ्ट कम्प्लीट हुआ है 26 अगस्त, है ना। तो आज के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोगों को जरूर फायदा होगा, है ना। बने रहिए और देखिए रिव्यू। चलिए बात करते हैं भाई, आपका एग्जाम हुआ आज? अभी देखते हैं, बात करते हैं, इधर भी दिखाते रहिए और बात करते हैं और इस तरह से और देखेंगे। आप लोग एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में? एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा रिव्यू दे दीजिए। आज का क्वेश्चन कैसा रहा आपके अनुसार? अच्छा ही था। अच्छा था, मोडरेट था, इजी था, हार्ड था, इस तरह से दोनों था, मिक्स था, इसमें हार्ड और इजी दोनों था, मतलब मिक्स था क्वेश्चन। अच्छा आपको क्या लगता है जो अभी फेज वन में जो सिलेबस चल रहा था जैसे कि पंचायती राज से क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या आपके सीट में था? एक ही क्वेश्चन था उससे, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। पंचायती राज से एक ही क्वेश्चन था। अच्छा ये जनगणना 2011 से भी पूछ रहा था क्वेश्चन, देखने को मिला? नहीं देखने को मिला। अच्छा रीजनिंग का जो अभी जैसे पचल बोल रहे हैं कि 15 लगभग सिटी अरेंजमेंट इस तरह से पजल वगैरह सब आ रहा है, क्या ये सही? 15 आ रहा है? अच्छा तो मतलब बनने लायक है कि बनने लायक ही है, कोई कठिनाई नहीं है, समस्या उसमें नहीं है, सरल था लगभग। सरल था, बन जाएगा, आप कर सकते हैं आराम से, अगर पढ़े ले तो आप कर सकते हैं। अच्छा मैथ का लेवल कैसा रहा? मैथ का भी ठीक था, मैथ कम आता है ना,
रीजनिंग टाइप ही आता है। 25 मैथ उसको देना है सिलेबस का। रीजनिंग टाइप ही आता है। अच्छा, तो अभी जो मैथ का जो सिलेबस था, आपने रिव्यू भी देखा होगा बहुत सारे चैनलों से, उसमें था कि मैथ का जो क्वेश्चन था वो बनने लायक था, टोटल बनने लायक था। तो टाइम और वर्क से कितना क्वेश्चन था जी? टाइम और वर्क से, समय और काल, दो क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, और मेंसुरेशन से क्वेश्चन? मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था मेंसुरेशन से की क्वेश्चन। अच्छा, प्रोबेबिलिटी से? प्रोबेबिलिटी से तीन क्वेश्चन थे। तीन क्वेश्चन था। किस टाइप से क्वेश्चन था वो प्रोबेबिलिटी से? सरली था, कोई नहीं। अच्छा, ये चलिए ठीक है। आपका आइटम कितना रहा आज? ये 82। 82 अरे बढ़िया आइटम है। अच्छा, और आप किस जोन से हैं? गाजीपुर से। आपके अनुसार रेलवे की जो अभी कटअप की बात करें कितनी हो सकती है? मेरी या सबकी बात करें? सबकी। आपका व्यू क्या रहा, मतलब कि क्वेश्चन का अनुसार देखा जाए 65 प्लस कटअप जा सकता है? अच्छा चलिए, तो इनका कहना है 65 प्लस कटअप जा सकता है ना रेलवे का। चाहे भाई, आपका भी एग्जाम था ना? आपका हो गया? अभी होने वाला है सेकंड सेम में। चलिए, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए, तो